हमने लेक्चर वन में बात कर ली थी टेस्टिस के लेंथ और विड्थ के बारे में बात कर ली थी, अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर टू में। तो टेस्टिस के ऊपर कवरिंग पाई जाती है डेंस टिश्यूज की, तो उसमें से तीन तरह की कवरिंग होती है, तीन लेयर्स होते हैं टिश्यू के ऊपर कवरिंग के। एक का नाम होता है सबसे बाहर वाले का नाम होता है ट्यूनिका वेस्कुलेसा, ट्यूनिका वेजिनालिस सॉरी, बीच वाले का नाम होता है ट्यूनिका एल्बिजीनिया और अंदर वाले का नाम होता है ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा। वेस्क्यूलोसा से मतलब वेस्क्यूलोसा, नाम से पता चल रहा है इसमें वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होंगे, मतलब ब्लड वेसल्स और ये सारी चीजें। एनसीईआरटी में इसका जिक्र नहीं है, तो आप चाहो तो इसको छोड़ सकते हो। इनका काम क्या है, टेस्टिस का प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे ये टेस्टिस है, जिसके अंदर छोटे छोटे टेस्टिस के अंदर ऐसे समझिएगा कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। टोटल कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं इतने, 250, मतलब बॉक्स जैसे हैं। और इसके अंदर क्या है, स्पेस है, कंपार्टमेंट्स मतलब इसके अंदर स्पेस है, कुछ चीजें पाई जाएंगी इसके अंदर। तो टोटल कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, 250 कंपार्टमेंट्स, कितने 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। और इस हर कंपार्टमेंट के अंदर तकरीबन दो से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं। कितनी पाई जाती है, दो से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाई जाती है, ठीक है। तो टेस्टिस के ऊपर कवरिंग पाई जाती है, डेंस कवरिंग पाई जाती है ट्यूनिका एल्बिजीनिया, ट्यूनिका वेजिनालिस और ट्यूनिका वेस्कुलोसा का। और टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है और हर कंपार्टमेंट के अंदर कितने, दो से तीन सेमिफेरस टिब्यूल्स पाए जाते हैं। कितने सेमिफेरस टिब्यूल्स, दो से तीन। अगर एवरेज हम मान लेते हैं कितना, 200 से 300 कंपार्टमेंट है। कितने कंपार्टमेंट है, 200 से 300। तो एवरेज हम 250 कंपार्टमेंट मान ले और हम कितने 270 एक कंपार्टमेंट में मान ले, तो टोटल 250 × 2 यानी टोटल सेमिनिफेरस टिब्यूल तकरीबन कितने होते हैं एक टेस्टिस में, 500। कितने सेमिनिफेरस टिब्यूल होते हैं, 500। अच्छा, सेमिनिफेरस टिब्यूल क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होते हैं वो टेस्टिस के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होते हैं। किसके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, टेस्टिस के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस टिब्यूल बोलते हैं, ठीक है। देखते सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, ठीक है, ये टेस्टिस है, इसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, कंपार्टमेंट मतलब स्पेस है, और इस स्पेस के अंदर दो से तीन क्या पाए जा रहे हैं आपके, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स पाए जा रहे हैं। और सेमिनिफेरस टिब्यूल्स क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस होता है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब जिन्हें नहीं मालूम है वो समझ लें और सुन लें। देखिए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी किससे बनी है, सेल से, तो हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, सेल। तो पहले समझेंगे स्ट्रक्चरल का मतलब और फिर समझेंगे फंक्शनल का मतलब, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सबसे छोटी लिविंग चीज जो हमारे बॉडी में पाई जाती है, सबसे छोटी लिविंग चीज क्या, हम लिविंग है, तो सबसे छोटी लिविंग चीज हमारे बॉडी में जो पाई जाती है वो क्या है, सेल है। इसलिए हम कहते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने, आपको सेल से बने, इसलिए क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बना रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सेल क्या बना रहा है, स्ट्रक्चर। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। हम फंक्शनल यूनिट इसको, सेल को क्यों बोलते हैं, सेल को हम फंक्शनल यूनिट इसलिए बोलते हैं ताकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन क्या क्या फंक्शन करता है, ह्यूमन ब्रीदिंग करता है, रेस्पिरेशन करता है, डाइजेशन करता है, एक्सक्रीशन करता है, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है, मतलब एक्सक्रीशन करता है, ठीक है, डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये सारे फंक्शन क्या करता है, ह्यूमन करता है, ये सारे के सारे फंक्शन एक सिंगल सेल भी करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं। यानी किसी को भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलने का मकसद तभी बोल सकते हैं जब वो उसका क्या बना रहा हो, स्ट्रक्चर बना रहा हो उस चीज का, और जब वो जो होल चीज क्या कर रहा है, जो फंक्शन कर रहा है, वो भी क्या कर रहा हो, फंक्शन कर रहा हो। कहने का मतलब जरूरी नहीं कि हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या, एक सिंगल सेल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एक सिंगल सेल। नेफ्रॉन होता है, किडनी का क्या होता है, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है।
अब किडनी का एक सिंगल सेल, किडनी का एक सिंगल सेल किडनी वाला फंक्शन नहीं कर सकता है, यानी एक सिंगल सेल किडनी का फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता है। ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन वो सबसे छोटा यूनिट है जो किडनी को बना रहा है और किडनी जैसा फंक्शन कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब ये नहीं होता है कि एक सिंगल सेल है, पूरा बॉडी इतना बड़ा है तो वो सिंगल सेल उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, उसके ऑर्गन का भी क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। दूसरे अलग अलग ऑर्गन का कभी टिश्यू भी हो सकता है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, या कुछ ग्रुप ऑफ सेल भी हो सकते हैं या सिंगल सेल भी। फॉर एग्जाम्पल किडनी का काम क्या है आपका, फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, लेकिन किडनी का एक सिंगल सेल फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है। कहने का मतलब वो क्या करता है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको क्या टिश्यू बनाते हैं जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन पूरा फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। उसी तरह टेस्टिस का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहने का मतलब टेस्टिस का काम क्या है आपके, आपके टेस्टिस का काम होता है स्पर्म का बनाना, ठीक है, और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो स्पर्म बना कौन रहा है, टेस्टिस के अंदर छोटे 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 क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, जिसको क्या बोला, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोला, जो असलियत में क्या कर रहा है, स्पर्म बना रहा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या बोल देंगे, अब टेस्टिस बना भी देखिए, ये टेस्टिस इनडायरेक्टली देखिए तो कहां है, यहां सारे सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, यहां पे सारे के सारे क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से छोटे छोटे, ठीक है। यानी टेस्टिस बना किससे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ही बना है, और कह सकते हैं ऐसा। और जो भी टेस्टिस फंक्शन कर रहा है, स्पर्म बनाने का फंक्शन कर रहा है, वो कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस क्या हो जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर मैं इमेजिन करूं, मान लीजिए ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, मान लीजिए रियल डायग्राम आपके बुक में दे रखा है और आपके स्कूल में स्लाइड भी दिखाया जाएगा, तो वहां पे आपको सब कुछ रियल में पता चल जाएगा। तो एनसीईआरटी में आपको लाइन यहाँ पे लिखा होगा, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग। डेंस कवरिंग कितने तरह की कवरिंग होती है, ट्यूनिका आपका सबसे पहले होता है वेजिनालिस, उसके बाद दूसरा लेयर आपका एल्बिजिनिया, और सबसे अंदर की तरफ क्या होता है, ट्यूनिका वेस्क्यूलोसा, ठीक है। एल्बिजिनिया ही 250 कंपार्टमेंट्स मैंने बोला, आगे लिखा हुआ है द टेस्टिस इज कवर्ड बाय अ डेंस कवरिंग, मैंने बता दिया। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स, ठीक है। तो कंपार्टमेंट बनाने में आपका ट्यूनिका एल्बिजिनिया काम करता है, कैसे काम करता है, जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो बताया जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने बोला हर कंपार्टमेंट में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 2 से 3, तो टोटल 250 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, और एक कंपार्टमेंट में टोटल 250 कंपार्टमेंट है, और एक कंपार्टमेंट में 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान लें तो टोटल कितने आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे, 500। तो यही लिखा हुआ है, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड, यानी टेस्ट क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, कैसा, हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है क्वाइल्ड, ठीक है। ट्यूब को ऐसे क्वाइल कर लो, जैसे आपके ईयरफोन को टैंगल हो जाता है ना, काफी ज्यादा टैंगल कर दो, तो हाईली क्वाइल्ड आपका क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, इसलिए इसको क्या बोला था, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन ऑन इट्स 2 टाइप्स ऑफ सेल कॉल्ड मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल। ये टेस्टिस है, इसके अंदर कंपार्टमेंट्स टोटल 250 होंगे, ठीक है। मैं एक कंपार्टमेंट को बाहर दिखा रहा हूं, एक कंपार्टमेंट के अंदर टोटल कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, 3। ये थ्योरेटिकल डायग्राम है समझाने के लिए, क्योंकि डायग्राम से चीजें जल्दी समझ में आती है, इसलिए इसको रियल डायग्राम ना समझ लीजिएगा। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान लीजिए, ये दूसरा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान लीजिए, और ये तीसरा क्वाइल है ट्यूब जैसा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जूम करके हाईली मैग्नीफाई बता रहा हूं, ठीक है, समझाने का मकसद है, यहाँ पे सिर्फ समझाने का मकसद है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, दो तरह के। कैसे बना लीजिए सेल का कोई शेप, बहुत तरह के सेल्स पाए जाते हैं, यहाँ पे भी इसी तरह के 2 सेल्स और यहाँ पे भी इसी तरह के 2 सेल्स, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक अलग तरह के सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है, बीच में अलग तरह के सेल्स पाए जाएंगे, ठीक है। इन सेल्स को बोलते हैं लेडिंग सेल्स, क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स, या इसका दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स, क्या, इंटरस्टिशियल सेल। देखिए दो दो ग्रुप
ऑफ सेल्स के बीच में जो जगह है, बीच की जगह को क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलेंगे, और इसमें जो आपको पाया जाएगा सेल उसको क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल बोले जाएंगे। यहाँ पे भी क्या पाए जाएंगे? इंटरस्टिशियल सेल पूरे में, ठीक है। और यहाँ पर इस सेल को बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलते हैं? दो तरह के, एक सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में टू टाइप्स ऑफ सेल पाए जाते हैं। एक सेल को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। और दूसरे सेल का नाम क्या होता है आपका? सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? नर्स सेल। क्या नाम है इसका दूसरा नाम? नर्स सेल्स। कहने का मतलब स्पर्मेटोगोनिया को क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। मतलब कहने का मतलब स्पर्मेटोगोनिया से ही क्या बनेगा? आपका स्पर्म बनेगा, यानी स्पर्म बनाने वाला सेल। और नर्स सेल क्या है? स्पर्मेटोगोनिया को वगैरह या स्पर्म को आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करना, और स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नर्स मतलब कुछ बीमारी हो गई, मतलब नरिशमेंट की कमी हो रही है, तो क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ये सेल्स क्या करेंगे? इसको ऐसे से नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्मेटोगोनिया को। समझ में आ रहा है? तो आपका सर्टोली सेल कुछ इस तरह का, सेमिफेरस टिब्यूल्स कुछ इस तरह का दिखता है। एक कंपार्टमेंट को मैंने जूम किया, एक कंपार्टमेंट के अंदर तीन सेमिफेरस टिब्यूल्स बताए, दो सेमिफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उसको क्या बोला? इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसके अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं इसका नाम क्या बन जाएगा? इंटरस्टिशियल सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? लेडिंग सेल्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंदर में सेमिफेरस टिब्यूल्स के अंदर में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल। स्पर्मेटोगोनिया से ये क्या बनेगा? आपका स्पर्म बनेगा। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। लेडिंग सेल्स का काम क्या होता है? एक हार्मोन रिलीज करता है, हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन का नाम क्या होता है आपका? एंड्रोजन, ग्रुप ऑफ हार्मोन। एंड्रोजन क्या है? ग्रुप ऑफ हार्मोन है। एंड्रोजन में स्पेशली एक, या एंड्रोजन बोल लीजिए आपके लेवल पे, या फिर आप क्या बोल लीजिए? टेस्टोस्टेरोन बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? टेस्टोस्टेरोन। यही क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। क्या होता है ये? मेल सेक्स हार्मोन। यानी जो भी मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं वो किसके वजह से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन। कभी मेल में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाए तो मेल क्या हो जाता है? काफी एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है। तो जो आपके ऑक्स होते हैं, ठीक है, मतलब सांड शायद हिंदी में बोलते हैं, उसके टेस्टिस को क्या कर दिया जाता है? बचपन में ही क्रश कर दिया जाता है कि ताकि उसमें टेस्टोस्टेरोन न बन पाए, जिसकी वजह से वो क्या बन जाए? ऑक्स बन जाए, मतलब डोसाइल बन जाए, ठीक है। क्योंकि जो बुल्स होते हैं वो काफी अग्रेसिव होते हैं, तो उनके टेस्टिस को क्रश कर दिया जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्ट्रेशन, बोलते हैं कैस्ट्रेशन ही बोलते हैं, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस है, ठीक है। एम्स के सिलेबस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा दिमाग में आया पढ़ाते समय, तो बता दिया। तो समझ में आया ये सारी बातें? यानी आपका टेस्टिस में कंपार्टमेंट 250, एक कंपार्टमेंट के अंदर दो से तीन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, एक कंपार्टमेंट को जूम किया तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की खाली जगह को क्या बोला? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो सेल है उसको क्या बोला? इंटरस्टिशियल सेल या लेडिंग सेल। इसका काम क्या है? हार्मोन रिलीज करता है, जिसका नाम क्या है? एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन, जो मेल सेक्स हार्मोन है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है। और टेस्टोस्टेरोन के बिना स्पर्म का प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता है। उसके बाद इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल, या दूसरे का नाम होता है सर्टोली या नर्स सेल। और स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? स्पर्म बनता है, ठीक है। आपका पेज नंबर 44 पे डायग्राम दे रखा है, सर्टोली सेल, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का मतलब स्पर्म की बात में बता रहा है, इंटरस्टिशियल सेल यानी सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का रियल डायग्राम दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी। अब क्या करेंगे? एनसीईआरटी को रीड भी कर देंगे ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। ठीक, देखिए जो मैंने पढ़ाई वही बात से सारी लिखी हुई है। यानी देखिए, ईच लॉब्यूल कंटेंस 2 to 3 हाईली क्वाइट सेमिफेरस टिब्यूल्स, विच इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस। Each semiferous tubules is lined on its inside by two types of cell, अंदर की तरफ, मतलब दो तरह के सेल्स होते हैं। पहले का नाम क्या दिया? मेल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया। दूसरे का नाम क्या है? सर्टोली सेल, या आप बुक में नहीं लिखा हुआ है, आप लिख लीजिएगा नर्स सेल। द मेल जर्म सेल अंडर को, अच्छा मैंने बोला था ना, मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? आपका स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है? स्पर्म बनता है। चार स्पर्म्स बनेंगे, क्या बनेंगे? टोटल चार स्पर्म बनेंगे। मतलब यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? यहाँ पे मियोटिक डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? मियोटिक डिवीजन, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिडक्शन डिवीजन, आरडी। इसका मतलब ऐसा क्यों बोलते हैं? सेल चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जब आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस तो बता दिया जाएगा। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, बाय सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। मैंने थोड़ा देर पहले बताया
The region outside the seminiferous tubule is called interstitial space, contains small blood vessels and interstitial cells या leading cells. अच्छा एक बात जानिएगा, seminiferous tubules के अंदर, ये कहीं पे किताब पे नहीं लिखा हुआ है, ये seminiferous tubules है, यहाँ पे क्या है आपका interstitial space है, यहाँ पे आपको WBC, antibody सारी चीजें पाई जाएंगी, लेकिन इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी या WBC कुछ भी नहीं पाया जाएगा. इसका रीजन आपको सोचना है क्यों नहीं यहाँ पे एंटीबॉडीज ये सारी चीजें पाई जाती है, हर बॉडी के हर हिस्से में पाई जाती है, बस सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में नहीं पाई जाती है. क्यों नहीं पाई जाती है इसका रीजन आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? नहीं आता है तो फिर मुझसे पूछिएगा. इसके अंदर लिखा है लेडिंग सेल सिंथेसाइज एंड सिक्रीट अ टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. कहने का मतलब, ये जो इस लाइन का मतलब समझिएगा, अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. यहाँ पे तो WBC ये सारी चीजें पाई जाएंगे एंटीबॉडी, लेकिन यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी. एनसीईआरटी इसी बात को कहना चाह रहा है इस लाइन से, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, देखिएगा मान लीजिए टेस्टिस है एक कंपार्टमेंट, ठीक है? मैं तीन चार कंपार्टमेंट बनाता हूं, एक दो तीन, ये पूरा का पूरा क्या आपका टेस्टिस है. मान लीजिए यहां पे सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, एक दो तीन, उसी तरह यहां पे भी होंगे. अच्छा यहां पे क्या हो रहा है, आपका स्पर्म बन रहा है, ठीक है? ट्यूब्यूल्स में क्या बन रहा है, स्पर्म बन रहा है. तो इस ट्यूब्यूल से स्पर्म निकलने के लिए पाइप होगा बाहर की तरफ, टेस्टिस से बाहर ऊपर बॉडी की तरफ जाने के लिए पेनिस से बाहर निकलेगा ना स्पर्म, तो एक पाथ तो होना चाहिए. तो स्पर्म क्या है, तो यहां से एक पाइप जैसा निकलेगा, यहां से भी पाइप, ये तीनों पाइप फिर क्या करेंगे आपस में ज्वाइन करके एक कॉमन पाइप जैसा बना लेंगे, ठीक है? फिर यहां से जो पाइप निकल रहे हैं वो भी क्या बना लिए होंगे, आप एक कॉमन पाइप बना रहे होंगे. और फिर यहां से भी टोटल 250 कंपार्टमेंट से सारे इस तरह के कॉमन पाइप निकल रहे होंगे. फिर ये कॉमन पाइप मिलकर क्या करेंगे, और भी ज्यादा कॉमन पाइप और बड़े पाइप बनाएंगे, और फाइनली एक बड़ा पाइप क्या होगा, टेस्टिस से लीव करेगा. मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म की बात करेंगे, स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है? यानी बात करी थी ना एसेसरी डक्ट्स. तो अगला हम बात क्या करेंगे, हमने टेस्टिस के बारे में बात कर लिया, इसको क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, बाकी सारे डक्ट्स या ऑर्गन जो भी है इसको क्या बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. टेस्टिस की बात कर लिया, एसेसरी डक्ट के बारे में बात करेंगे. समझ में आ रहा है, यहां से पाइप निकला वापस कनेक्ट होगा, फिर यहां से कनेक्ट होगा, ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे, फाइनली एक और मेजर सबसे बड़ा सा पाइप निकलेगा वासा डेफरेंस, ठीक है? तो उसकी बात करें, देखिए पाइप के बारे में याद रखिएगा RBEV, मतलब R से रेटा टेस्टिस, ठीक है? उसके बाद V से हो जाएगा आपका वासा एफेरेंशिया, ऐसे याद कीजिएगा क्योंकि सीक्वेंस भूल जाते हैं, वासा एफेरेंशिया. उसके बाद ई से हो जाएगा आपका एपिडाइडिमिस, और वी से हो जाएगा वासा डेफरेंस. अब बोलेंगे सर ये वाला वी और ये वाला वी में भूलेंगे नहीं, अरे ये याद रहता है बच्चों को, वासा डेफरेंस सबसे बाद में आता है, सबसे मेजर पाइप होता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये बातें लिखूंगी कि पाथ, डक्ट का पाथ क्या है, सबसे पहले रेटा टेस्टिस, यानी टेस्टिस के अंदर क्या होगा, जो टेस्टिस के अंदर जो पाइप है यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो मिलके पाइप बना रहे हैं, ठीक है? बहुत सारे, उसको क्या बोलेंगे रेटा टेस्टिस. उसके बाद फिर बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के पाइप जो कॉमन पाइप बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे वासा एफेरेंशिया. फिर वासा एफेरेंशिया से जो कॉमन पाइप बनेगा उसको क्या बोलेंगे एपिडाइडिमिस. और फाइनली जो एक सिंगल मेजर पाइप, यानी पाइप बोलना सही नहीं है, जो डक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे आपको वासा डेफरेंस. क्या बोलेंगे वासा डेफरेंस, ठीक है? तो यही बात लिखा है द सेमिनिफेरस, नीचे अगले पैराग्राफ पाइएगा, द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटा टेस्टिस वासा एफेरेंशिया एपिडाइडिमिस एंड वासा डेफरेंस. फिगर 3.1 भी में आप देख सकते हैं, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वासा एफेरेंशिया, यानी सबसे ओपन इनटू द वासा एफेरेंशिया थ्रू रेटा टेस्टिस, यानी सबसे पहले कहां पे ओपन होता है रेटा टेस्टिस में, उसके बाद वासा एफेरेंशिया में. द वासा एफेरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू, यानी टेस्टिस को लीव कौन करता है, रेटी टेस्टिस, मतलब वो पाइप जो टेस्टिस के अंदर है, और वो पाइप जो टेस्टिस से बाहर निकला उस पाइप को क्या बोलते हैं वासा एफेरेंशिया. नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि टेस्टिस को कौन सा डक्ट लीव करता है, रेटा टेस्टिस, वासा एफेरेंशिया, एपिडाइडिमिस और वास डेफरेंस. तो नीट के लिए अच्छा क्वेश्चन है. तो आप क्या इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप क्या आंसर देंगे, टेस्टिस को लीव करने वाला डक्ट कौन सा है, वासा एफेरेंशिया है, ठीक है? अच्छा वासा एफेरेंशिया लीव द टेस्टिस एंड ओपन्स इनटू द एपिडाइडिमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस.
देखिएगा, समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये यूरिनरी ब्लेडर है, डायग्राम्स उतना डेप्थ मेरी बना रहा हूँ, बुक में सारे डायग्राम्स दे रखे हैं। ये यूरिनरी ब्लेडर है, नीचे क्या था आपका, टेस्टिस था, मैं किडनी जैसा क्यों बना रहा हूँ पता नहीं, नीचे टेस्टिस था आपका, ठीक है। यहां से फाइनली आपका क्या होगा, आपका पाथ चल रहा होगा कुछ इस तरह से, डायग्राम दे रखा है, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है, मान लीजिए यहां से फिर बहुत सारे पाइप निकलेंगे, फाइनली वासा डिफरेंस क्या करेगा, इसके पीछे से निकलेगा, इसके पीछे से निकल के और फाइनली कहां पे एंटर करेगा, आपका कॉमन यूरिन के पाथ पे, कहां पे एंटर करेगा, कॉमन यूरिन के पाथ पे, ठीक। देखिए टेस्टिस से आपका बहुत सारे पाइप निकले, फाइनली वासा डिफरेंस फाइनल पाथ था, ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लेडर है, तो यहां पे टेस्टिस, मान लीजिए यहां पे टेस्टिस था, ये वाला पोर्शन यहां पे मेरा हाथ है, तो यहां से पाइप निकलेगा और पाइप पीछे से होते हुए लूप करेगा, एनसीईआरटी में ये लूप ओवर द यूरिनरी ब्लेडर बोल रहा है, मतलब टेस्टिस यहां पे था आउटसाइड द बॉडी, यहां से पाइप निकला और फाइनली वासा डिफरेंस क्या करेगा, पीछे से होते हुए लूप करेगा और फाइनली नीचे कहां पे, पेनिस में एंटर करेगा, पेनिस में यूरेथ्रा वाले पाइप में एंटर करेगा और फाइनली स्पर्म किससे निकलेगा, कॉमन पैसेज, मतलब आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिप्रोडक्शन में जो नीट में आपका एआईपीएमटी में पूछ रखा है कि व्हाट इज द कॉमन पैसेज, बताता हूं अभी क्वेश्चन, तो फाइनली कहां, यूरेथ्रा से होते हुए आपका स्पर्म बाहर निकलेगा। कहने का मतलब बस मैं ये समझाना चाह रहा था, ये टेस्टिस है, यहां से आपका क्या निकलेगा, ट्यूब निकल के पीछे की तरफ से आपको क्या होगा, आगे की तरफ आएगा, लूप करेगा पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो लिखा हुआ था एपिडिडिमिस लीड्स टू वासा डिफरेंस, मैंने बताया एपिडिडिमिस फाइनली कहां पे पहुंचेगा, वासा डिफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, इस लाइन का मतलब समझाया मैंने, आगे की तरफ समझाया ना डायग्राम से, पीछे से होते हुए आगे आएगा, ठीक है, इसका मतलब यही है। इट रिसीव अ डक्ट फ्रॉम, अच्छा वासा डिफरेंस कहां कहां से, एग्जाम नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट के लिए वासा डिफरेंस कहां कहां से डक्ट रिसीव करता है, तो लिखिएगा इट रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू द यूरेथ्रा, और भी जगह से करता है, आगे बात करेंगे, एज अ इजैक्युलेटरी डक्ट, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीट में आजकल इजी क्वेश्चन आ रहा है, इजैक्युलेटरी डक्ट क्या है, इजैक्युलेटरी डक्ट कौन सा होता है, कौन सा ऑर्गन या कौन सा पाथ या कुछ भी पूछ सकता है, पूछेगा इजैक्युलेटरी डक्ट इज इक्वल टू, तो ऑप्शन में आपका जो भी ऑप्शन रहे आंसर क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, आंसर क्या हो जाएगा, यूरेथ्रा, ठीक है, ये नीट में पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे नीट आपका 2014 का टू 2014 का क्वेश्चन बता रहा हूं, यह कमिटी का, दीज डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, थ्रू यूरेथ्रा लिखा है ना, आपको एग्जाम में पूछा था कि 2014 में पूछा था कॉमन बिटवीन रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन कौन, और चार ऑप्शन दे रखे थे, इसमें एक ऑप्शन क्या था, यूरेथ्रा, यानी आपको एग्जाम में पूछा था कि रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो चलता है और एक्सक्रिएशन प्रोसेस जो चलता है उसमें कॉमन क्या है, तो उसमें कॉमन क्या है आपका, यूरेथ्रा, क्योंकि इसी यूरेथ्रा से क्या है आपका पेशाब यानी यूरिन भी बाहर निकलता है और इसी यूरेथ्रा से क्या होता है स्पर्म भी बाहर निकलता है। फाइनली द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा कहां से ओरिजिनेट होता है, ये यूरिनरी ब्लेडर से ओरिजिनेट होता है और कहां तक, पूरे पेनिस से होते हुए एंड तक जाता है और फाइनली एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं, और समझ में आ रहा है। अच्छा आगे बात करते हैं, ये आप एसेसरी डक्ट्स की बात कर ली, उसके बाद बात करते हैं एसेसरी ग्लैंड की, चार चीजें थी, सबसे पहले तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस था, उसके बाद क्या बात करते हैं एसेसरी डक्ट, उसके बाद क्या बात करेंगे एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी में मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया दे रखा है, पहले एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, मतलब जो आपको बाहर से दिख रहा है और जिससे आप क्या करते हो, कॉपुलेशन करते हो, जेनिटलिया जो भी स्पेलिंग आपको देख लीजिएगा, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, बताइए क्या होता है, पेनिस होता है, क्या होता है, पेनिस, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, इट इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टिश्यू, ठीक है, दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन का मतलब मैंने बता दिया था, और इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब समझिएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस इसका मतलब क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस,
जब मेल क्वाइटस कर रहा होता है तो पेनिस का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए पहले छोटा था तो फिर क्या हो जाता है, पेनिस का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ज्यादा डेप्थ में जब एम्स का सिलेबस पढ़ा रहूंगा तब बता दूंगा, लेकिन इसका थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसका इरेक्शन ऑफ पेनिस का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, ऐसा समझिए मतलब, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए पेनिस है, यहाँ पे कुछ स्पेस होते हैं, क्या होते हैं, बैलून जैसे होते हैं जो फुले हुए नहीं है, मतलब बैलून को फुलाते हैं तो फूल जाता है ना, यहाँ पे क्या होता है, बैलून जैसे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एक्चुअली में नहीं है, रियल में नहीं है, लेकिन इरेक्शन कैसे होता है उसको बता रहा हूं, ठीक है। जब इंसान को क्वाइटस कर रहा होता है या सेक्सुअली एक्साइट होता है तो क्या होता है, लाफिंग गैस एनो, मुझे याद नहीं है, खैर एनो नाम का एक गैस होता है वो इसमें फिल होता है, और ये बबल्स सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। इसकी वजह से क्या हो जाता है, पेनिस का इनलार्जमेंट हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, इरेक्शन ऑफ पेनिस। कहने का मतलब मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या है, पेनिस होता है, और इंसिमिनेशन के वक्त यानी क्वाइटस के वक्त इनलार्जमेंट ऑफ पेनिस होता है, यानी इरेक्शन ऑफ पेनिस होता है, ठीक है। और ये सारी बात बोल रखी है, हाँ, इसके स्पेशल टिश्यू से बना है, इसके ऊपर स्पेशल टिश्यू होता है जो मदद करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस के बारे में, एनसीईआरटी ये बोल रहा है। उसके बाद द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंड पेनिस, ये पेनिस और थोड़ा कुछ इस तरह का होता है ना, ठीक है। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस, क्या बोलते हैं, ग्लैंड पेनिस बोलते हैं। उसके बाद इसके ऊपर भी क्या है, एक चमड़ी जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं द मेल एसेसरी ग्लैंड, अब मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, मेल एसेसरी ग्लैंड के बारे में। मेल एक्सेसरी ग्लैंड बताइए कौन कौन से होते हैं, डायग्राम जरूर देखिएगा, अगर आपको डायग्राम समझ नहीं आ रहा है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, जब भी एक साल डेढ़ साल के बाद आता है वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है। बात करते हैं आपके मेल एक्सेसरी ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, सेमाइनल वेसिकल, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, प्रोस्ट्रेट के बाद बल्बो यूरेथ्रल, तीन ग्लैंड होते हैं। ग्लैंड का मतलब जो सिक्रीशन सिक्रीट करे, ठीक है, सिक्रीशन मतलब लिक्विड जैसी कुछ चीजें सिक्रीट करें जो बहुत सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करे, ठीक है। ग्लैंड का मतलब ही वही होता है जो सिक्रीशन सिक्रीट करे, ठीक है। तो आपके टोटल सेमाइनल वेसिकल देखिए डायग्राम में, देखिएगा डायग्राम यहाँ पे देखिएगा, क्लियर हो रहा है, देखिएगा डायग्राम में, ठीक है। सेमाइनल वेसिकल्स कितने में होते हैं, पेयर्ड होते हैं, दो होता है। बल्बो यूरेथ्रल भी आपको क्या है, दो है, लेकिन प्रोस्टेट क्या होता है, सिंगल होता है। तो नीट में ये क्वेश्चन पीएमटी में पूछा जा चुका है पहले भी, लेकिन नीट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्लैंड सिंगल होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सिंगल होता है। ये सारी चीज ये क्या करते हैं, तीनों के तीनों अपने सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, और इनके सिक्रीशन को क्या बोलते हैं, तीनों के सिक्रीशन को मिला के बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा, क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा बोलते हैं। जिसके अंदर बहुत सारा क्या होता है, आपको न्यूट्रिशन पाया जाता है, बहुत सारा न्यूट्रिशन जैसे फ्रक्टोज, कैल्शियम और बहुत सारे आयन्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। आप पूछोगे सर इतनी सारी चीजें क्यों पाई जाती हैं, क्योंकि स्पर्म को क्या करना पड़ता है, तीन दिन तक ट्रैवल करना पड़ता है ओवम तक पहुंचने के लिए। तो ये सारे क्या करते हैं, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं और काफी हेल्दी भी रखते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो पाए, ठीक है। उसके बाद अच्छा सेमाइनल प्लाज्मा में स्पर्म मिल जाए तो उसको बोलते हैं सीमेन, नीट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, सीमेन, नीट 2018 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, बल्बो यूरेथ्रल का एक और काम दे रखा है कि बल्बो यूरेथ्रल का काम क्या होता है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के काम आता है, लुब्रिकेशन, ठीक है, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस के भी काम आता है। उसके बाद हम अगले क्लास में क्या बात करेंगे, अगले क्लास में हम बात करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है, चलिए।